अस्सलाम वालेकुम, चैट विद मारिया के साथ वेलकम बैक। कैसे हैं सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। आप लोगों की दुआएं से आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम एक नया व्लॉग लेके आए हैं आप लोगों के लिए। ये बांग्लादेश की तरक्की का एक और बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छा एक पॉइंट है जो कि सबको देखना चाहिए। हमें भी नहीं पता था कि ये हमारे बिल्कुल पास ही बना हुआ है। हम लोग बशुंधरा के बिल्कुल पास 100 फीट से इसका रास्ता 100 फीट से जाते हैं। आगे भी कंस्ट्रक्शन हो रही है तो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, बट अगर आप जाते हैं गाड़ी से जाएंगे तो आपको ज़रा कम डिफ़िकल्टीज़ होंगी, क्योंकि अभी रास्ता बन रहा है तो काफ़ी मिट्टी है, धूल मिट्टी है। तो ये हम लोग बस पहुँच गए हैं। वहाँ से पहले रास्ता साफ है, बस बशुंधरा से वहाँ तक जाने के सेंटर में थोड़ा रास्ता ख़राब है क्योंकि अभी रोड बन रहा है। तो ये जो पार्क है ये बहुत दूर से ही हमें नज़र आना शुरू हो गया था क्योंकि काफ़ी बड़ा पार्क बना हुआ है और बिल्कुल साइड पे बना हुआ है। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने ज़्यादा लोग जाते होंगे, लेकिन मुझे बांग्लादेश की एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि लोग कोई भी चीज़ कहाँ पे भी बनी हो, लोग अपनी फैमिलीज़ को मस्त लेकर जाते हैं। कैसे भी जाना हो, बेशक ज़्यादा वसाइल ना हो, बेशक ज़्यादा पैसे ना हो, जैसे भी जाना, लोकल जाना हो, लेकिन वो लोग जाते हैं, अपनी फैमिली को इंजॉय कराते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मोस्टली फैमिलीज आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं, और इसकी लोकेशन आप देखेंगे तो ये बहुत कॉर्नर में है। इसके इर्द गिर्द अभी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, बट फिर भी लोग से ही वहाँ पे पहुँचे हुए थे, इंजॉय कर रहे थे, अपने बच्चों को लेके गए हुए थे। हम लोग भी फैन को लेके गए थे, हमने सोचा था फैन इंजॉय कर लेगा और आप ही के बच्चे आए हुए थे तो हमने सोचा चलो वो भी इंजॉय कर लेंगे। तो हम लोग खड़े हैं, आप ही का वेट कर रहे थे, आप ही और भैया थोड़ा लेट थे, वो लोग आए हैं, फिर हम लोग इंटर हुए हैं। और स्टार्ट पे ही हम लोग जाते ही, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था, मेरे ख्याल 3 या 4 बज रहे थे, 4 बज रहे थे आई थिंक सो, तो हमें भूख लगी हुई थी। तो ये एक पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे कॉफ़ी होती है और कुछ खाना है। 4 बजे से पहले पहले इन लोगों का कुछ डील्स चलती हैं तो वो बहुत रीज़नेबल होती हैं। तो जिस बंदे को नहीं पता वो मेरे व्लॉग देख के इस इन्फो को नोट कर ले और 4 बजे से पहले पहले जाए तो वहाँ पे जो डील्स हैं वो आपको बहुत रीज़नेबल मिल जाएंगी। तो उसके बाद जो होता है कि आप नॉर्मल खाना जैसे भी आप ऑर्डर करोगे वो वैसे होगा, और उससे पहले जो होगा वो आप डील्स कर सकते हो। ये उस रेस्टोरेंट की साइड पे है, बहुत प्यारा व्यू था और आप यहाँ से राइड भी ले सकते हैं। मुझे जाने से पहले बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतना प्यारा बना होगा, और मतलब क्योंकि एक एरिया बहुत साइड पे आ जाता है तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि इतना अच्छा बना होगा, लेकिन बहुत अच्छा बना हुआ था और इनके खाने का टेस्ट भी अच्छा था, क्वांटिटी भी अच्छी थी और टेस्ट भी अच्छा था। हम लोगों ने आते ही पहले फ्रेश हुए हैं थोड़ा सा और उसके बाद हम लोगों ने ऑर्डर दिया। ऑर्डर से ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, यही ऑलमोस्ट 30-35 मिनट्स ये तो लगते ही हैं। और ये थोड़ा मेन्यू मैंने अपने व्लॉग में डाल दिया है कि जो बंदा देखना चाहे वो देख सकता है। ये सारा डिटेल है मेन्यू की, और ये जो ऊपर है जो 3-4 समथिंग का है ये आपको 4 बजे से पहले पहले मिलेगा, और बाकी का जो नीचे वाला सारा मेन्यू है वो आप कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं। खाने शाने खाने के बाद हम रेस्टोरेंट के बाहर निकल के उसी के ऊपर से जाने के बाद एक बहुत प्यारा व्यू था। ये मतलब उन लोगों ने खुद से ही एक क्रिएट किया हुआ था, पहाड़ की तरह क्रिएट किया हुआ था। नीचे बेस मतलब बेसमेंट भी नहीं थी, उसी फ्लोर पे होटल था, उसी फ्लोर पे रेस्टोरेंट बना हुआ था, और बाहर निकल के उसके ऊपर से इस तरह से राइड दी हुई थी कि वो पहाड़ लग रहा था, और ऊपर बहुत प्यारी हवा चल रही थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। और यहाँ पर कोई कॉन्सर्ट टाइप नहीं, कोई मेहल कंपनी वगैरह आई हुई थी तो उनका कोई कॉन्सर्ट टाइप हो रहा था कि वहाँ पर सिंगर बैठा हुआ था, गाने शाने गा रहे थे। हम लोगों ने भी अच्छा इन्जॉय किया था, महरीन को भी अच्छा इन्जॉय करवाया, और ये पीछे कॉन्सर्ट हो रहा था, सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हमें, और कुछ बच्चों के इन लोगों ने बाद में इनाम वगैरह भी रखे हुए थे, कुछ कंपटीशंस वगैरह थे इस तरह से, जैसे कोई कंपनी आई हुई है और वो सारी चीज़ें मतलब छोटे छोटे से जैसे उन्होंने प्लान किया हुआ था ना, इस तरह से सारी चीज़ें हो रही थी। पहले सिंगर था, उसके बाद फिर कुछ क्विज कंपटीशन था, और हम लोग तो ज़्यादातर वहाँ पर रुके नहीं थे। उसके बाद हम लोग, क्योंकि हम लोगों की ट्राई थी कि शाम रात होने से पहले पहले हम लोग सारा एक्सप्लोर कर लें, जितना है हम उसको देख लें।
तो हम लोग यहाँ से इसको थोड़ा सा देख के फिर हम लोग निकले हैं। उसके बाद आगे जाके इनकी सबसे मेन चीज़ मुझे अच्छी लगी, उन्होंने छोटे छोटे कॉर्नर्स बड़े अच्छे डिकोर किए हैं, जैसे कि छोटा सा कॉर्नर है बट उन्होंने बहुत अच्छा डिकोर किया हुआ है। और लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं, अपनी फ़ोटोज़ ले रहे हैं और वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, और ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि छोटे छोटे कॉर्नर पर भी सही, मतलब उसको अच्छे से डिकोर किया हुआ है। उसके बाद आगे आ गया है जी भूल भुलैया, तो हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे भूल भुलैया में जाने के लिए। और फिर हम लोगों ने इसको ट्राई किया कि हम किसी तरह इसको रिकॉर्ड करें, और हमने इसको रिकॉर्ड किया भी, और हमें सब बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा। पूरे इस टूर में हम लोगों को मज़ा आया इसी में, भूल भुलैया में, क्योंकि हम जहाँ जा रहे थे आगे से बंद था। और आप लोग भी इसको देखेंगे तो आप लोगों को बहुत हंसी आई, हम लोगों ने भी, खैर हम चारों लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। आप लोग भी जाएंगे तो फैमिली के साथ जाएं, मस्ट ट्राई करें, क्योंकि फैमिली के साथ एक तो टाइम बंदा स्पेंड कर लेता है, और दूसरा ये है कि यहाँ पे बहुत नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेंगी, और बच्चों को भी थोड़ा सा टाइम मिल जाता है कि थोड़ा सा वो अपनी बिजी रूटीन से, स्टडी से, पेपर्स वगैरह से फ्री होकर थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए उनको कोई स्पेस मिल जाती है बाहर जाने के लिए और खुली जगह के लिए। इसके साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म होता है, दुआ में याद रखिएगा, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।